तो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा सर्कल के बारे में, सर्कल के क्वेश्चंस की। देखो, आज हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल मतलब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन, अगर नॉर्मल जो सर्कल वाले क्वेश्चन वाले होते हैं जिनको सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर इससे भी अगर लेंथी क्वेश्चन अगर आ सकते हैं, लेंदी मतलब थोड़ा इसका अपर जो लेवल है वो होता है, जनरल फॉर्म होता है सर्किल। तो देखो, एक नज़र में इसको देखेंगे और आज मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। देखो, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल वैसे होती क्या है एक्चुअली, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन में बता देता हूँ। देखो, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई, ठीक है, प्लस के सी इजकल टू जीरो, ठीक है ना। वे आर जी एफ एंड सी, ये हो गया आपके कॉन्स्टेंट। पहली चीज़ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस के सी स्क्वायर टू जीरो होती है, और जी एफ सी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इस इक्वेशन में जो सेंटर होंगे वो सर्कल के वो क्या होंगे, सेंटर जो होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस के जी माइनस के एफ, ये चीज़ क्लियर है, क्या हो जाएंगे, माइनस के जी मतलब जी के एक्स का जो कोफिशेंट है, एक्स का जो कोफिशेंट है उसका आधा और साथ में माइनस का, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस के हाफ कोफिशेंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस के हाफ कोफिशेंट ऑफ वाई, क्लियर है, वही चीज़ होगी। आप तो वैसे याद रखो, अगर टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई इक्वेशन में है तो इसमें सेंटर का हो जाएंगे माइनस के जी और माइनस के एफ, क्लियर है। इसके बाद रेडियस क्या होगी, रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी, कंप्लीट अंडर रूट में। ये कब होंगे, जब एक इक्वेशन अगर आपको दी हुई है जनरल फॉर्म में, क्लियर है सब चीज़ यहाँ तक, तो नॉर्मल में और इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर देखो वो कभी भी पूछ सकता है कोई इक्वेशन देके कि ये जो इक्वेशन है वो बताइए सर्कल की इक्वेशन है या नहीं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो एक चीज़ याद रखना कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री क्या होती है। देखो, अब मैं इक्वेशन सर्कल की नहीं बता रहा, मैं जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। नॉर्मली जो जनरल इक्वेशन होती है वो सेकंड डिग्री में क्या होती है, क्लियर। तो वो क्या हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई और प्लस के सी स्क्वायर टू जीरो, ठीक है ना। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, ये होती है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये जो होती, ये जो इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को कब करेगी, उसकी कंडीशन क्या है, रिप्रेजेंट सर्कल व्हेन, ये जो जनरल इक्वेशन होती है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी कब, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी व्हेन ए इजकल टू बी होगा, ए इजकल टू बी होगा, और ये दोनों किसके इक्वल नहीं होंगे, जीरो के, और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखो, इस पर क्वेश्चन आएंगे बेस्ड, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बेसिक्स हैं इसलिए। तो जनरल, वैसे तो पता लग गई कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस के सी स्क्वायर टू जीरो, सेंटर माइनस जी माइनस एफ और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन जनरल में क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के टू एच एक्स वाई प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस के सी स्क्वायर टू जीरो, ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ये वो ये इक्वेशन जो होगी वो सर्कल तभी होगी जब ए इक्वल टू बी,
इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए और बी की वैल्यू सेम हो बट जीरो को कल ना हो, और एच की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ तक दोस्तों समझ में आया। इसके बाद देखो आपने पढ़ लिए दो फॉर्म पढ़ ली, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्किल, जनरल फॉर्म ऑफ द सर्किल। अब देखते हैं डायमीटर, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल। तो डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्किल क्या होता है कि इसमें दो डायमीटर दिए हुए होंगे किसी भी सर्किल के, जो एक्सट्रीमिटीज होंगे, मतलब एक्सट्रीमिटीज के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। जैसे ऐसे कोई ऐसा सर्किल है तो एक इस तरीके से डायमीटर है, तो एक एक्सट्रीमिटीज ये और सेकंड एक्सट्रीमिटीज ये, ठीक है ना। तो देखो इफ एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू क्या है, एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं ऑफ अ डायमीटर, किसके डायमीटर के, देन इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी। समझ में, अगर कोई दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं डायमीटर के, तब इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगी वो देखते हैं। कुछ नहीं है, देखो x माइनस के x1, ठीक है, इंटू x माइनस के x2 प्लस के y माइनस के y1 इंटू y माइनस के y2 इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। तो दोस्तों इनको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और मैं अभी दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन आपको। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन अगर पता है तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आना चाहिए, ये डायमीटर फॉर्म पढ़ ली। अब नेक्स्ट इसका कंसेप्ट देखो, मान के चलो कोई पॉइंट है ए, ठीक है ना। अब पॉइंट, कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन एंड वाई वन। अब ये लाइज करेगा कहाँ, आउटसाइड ऑफ सर्किल, इनसाइड और ऑन द सर्किल, ये फाइंड करने के लिए आ जाए। देखो ये क्वेश्चन वहाँ पे भी आया था, तो वहाँ क्या निकालना था, जब सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन थी तो वहाँ कैसे फाइंड किया था, रेडियस निकाल लेते थे। रेडियस निकालने के बाद में अगर रेडियस से छोटा आ रहा है जो डिस्टेंस है, तो वो अंदर हो जाएगा सर्किल के, अगर रेडियस से बड़ा आ रहा है तो बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या सिस्टम है देखते हैं, कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी हुई हो वो क्या हो, इस तरीके से गिवन हो, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दी हुई हो और एक पॉइंट दिया हो, वो पूछ रहा हो कि ये पॉइंट जो है सर्किल के बाहर है, अंदर है या ऑन द सर्किल है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं है, इस पॉइंट को यहाँ पुट कर देंगे, तो x की जगह x1 y1 का स्क्वायर, इनको सेटिस्फाई कर देना है, मतलब प्लस के 2gx प्लस के 2fy1 और प्लस के c, ये निकाल लेना है आपको, ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, मतलब x1 y1 को इसमें पुट कर देना है और वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या निकल के आएगा। अगर मान के चलो ये s1 जो निकल के आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निकल के आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो पॉइंट है वो कहाँ है, आउटसाइड द सर्किल। अगर मान के चलो ये जो S1 जो आएगी वैल्यू आएगी वो अगर इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है, ऑन द सर्किल। मान के चलो S1 जो है वो लेस देन अगर जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट इज इनसाइड द सर्किल। ये चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों, वो इन पर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये पता होना चाहिए। ये कुछ फॉर्मूले हैं कुछ, तो ये आना ही चाहिए बेसिक से बहुत। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, मान के चलो कोई एक सर्किल की क्वेश्चन दी हुई है जनरल फॉर्म में, ठीक है। अब इस जो सर्किल की क्वेश्चन है, इसके द्वारा जो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट हुआ है, एट एक्स एक्सिस जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस के सी, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होगी,
टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ये दोनों चीज़ याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मान के चलो कोई सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस के सी इक्वल टू जीरो, और पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है कोई पी या एक्स वन वाई वन, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इस पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो क्या होगी, तो कुछ नहीं है, तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, मतलब इस पर बटा देना एक सिंगल एक्स लेके मल्टीप्लाई कर देना एक्स वन के साथ में, एक्स एक्स वन प्लस के वाई वाई वन प्लस के जी एक्स है ये प्लस के एक्स वन प्लस एफ वाई प्लस वाई वन प्लस के सी इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन हो जाएगी टेंजेंट की। तो देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना, और ये बहुत बेसिक्स हैं तो इसलिए क्वेश्चनों में बार बार आ भी सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना ही चाहिए सर्किल के क्वेश्चंस के बारे में, बाकी अगर कुछ भी बीच में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं वहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के थ्रू समझा दूँगा, और कोई अलग कंसेप्ट भी आता है तो उस क्वेश्चन को वहीं समझा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के फोर एक्स माइनस के सिक्स वाई प्लस के फोर स्क्वायर टू जीरो, क्या पूछा है डायमीटर की लेंथ पूछे। तो देखो क्या दी हुई है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के फोर एक्स माइनस के सिक्स वाई प्लस के फोर स्क्वायर टू जीरो, इसको इक्वल कर देना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस के सी स्क्वायर टू जीरो से। कंपेयर करके क्या निकालना है यहाँ पे, जी और एफ की वैल्यू निकालनी है, तो जी कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे टू जी स्क्वायर टू क्या दिया हुआ है माइनस के फोर, तो जी स्क्वायर टू कितना आ गया माइनस के टू, टू एफ की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस के सिक्स, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के थ्री, तो जी और एफ मिल गए, और सी की वैल्यू क्या दी हुई है फोर, क्लियर है तीनों चीज मिल गई, जी मिल गया एफ मिल गया और सी मिल गया। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी, तो देखो अंडर रूट जी स्क्वायर मतलब फोर, एफ का स्क्वायर मतलब नाइन और प्लस के सॉरी माइनस के फोर, नाइन फोर थर्टीन, थर्टीन माइनस के फोर कितना जाएगा नाइन, नाइन मतलब थ्री, क्या हो जाएगी रेडियस थ्री, तो डायमीटर क्या हो जाएगा थ्री टू या सिक्स, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विच इज़ द सर्किल इक्वेशन, हमको फाइंड करना है कि सर्किल की इक्वेशन कौन सी है, जैसे कि मैंने आपको जब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल करा रहा था तब मैंने वहाँ बताया था कि आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, तो मैंने वहाँ क्या फॉर्मूला बताया था कि सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन होती है किसी भी जनरल इक्वेशन की वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस के टू जी एक्स प्लस के सॉरी ए जी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के टू एच एक्स वाई प्लस के टू जी एक्स प्लस के टू एफ वाई प्लस के सी स्क्वायर टू जीरो, ये जो इक्वेशन होगी तभी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, कब करेगी जब एच इक्वल टू मस्ट बी जीरो एंड ए इक्वल टू बी, मस्ट इक्वल होनी चाहिए लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो, तो सेम टू सेम वही मेथड यहाँ लगाना है। तो दो ही कंडीशन होगी किसी भी सर्कल को रिप्रेजेंट करने की, क्या पहली चीज़ ये होगी कि जो ए इक्वल टू बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशियंट होना चाहिए पर जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, एच इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आइए यहाँ फाइंड करते हैं और देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ए को, देखो ए में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना वन, यानी कि ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट अ सर्किल इक्वेशन, क्लियर। बी ए इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन, बी इक्वल टू कितना है वाई स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस वन, नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन विच आई मैंशन इन द प्रीवियस लेक्चर, तो ये भी क्या होगी इक्वेशन नहीं होगी, क्लियर। सी देखते हैं, ए इक्वल टू कितना है वन है, बी इक्वल टू कितना है वन है, क्लियर है, चलो ये कंडीशन क्लियर हुई। एंड एच इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, टू एच एक्स वाई, एक्स वाई का कोफिशियंट क्या है वन है, चलो तो ये भी नहीं हुई, कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करने की सर्किल की। अब देखते हैं डी ऑप्शन,
ए क्या है, 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 3 है, चलो ये कंडीशन हुई कंप्लीट। एंड एच इजकल टू 0 है क्या, एक्स वाई का कोफिशियंट देखना है क्या, नहीं है, 0 हो गया ना एच, तो यही सर्किल की क्या होगी, इक्वेशन हो गई। क्यों हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन कौन सी, पहली कंडीशन एजकल टू बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच इजकल टू 0, तो यही आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है किसी भी सर्किल की इक्वेशंस को। तो देखो क्वेश्चन के थ्रू क्या है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और एक क्वेश्चन बहुत है करने के लिए, अब आप इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को।